आज जब आज आप धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं थाना कोतवाली शहर में? आज प्रातः 6 बजे मुझे एक सूचना मिली कि हमारे एक मित्र हैं जीवन अग्रवाल, उनकी माता जी को कुछ लोग घर से उठा करके ले गए, जिस पर मैंने जीवन से कहा कि आप जो है 100 नंबर पर सूचना करें ताकि तत्काल आपके साथ न्याय हो सके। 100 नंबर पर सूचना करने के बाद महिला को आरोपी लोगों के घर से बरामद किया गया और महिला को थाना कोतवाली ला करके अपराधियों को भी यहाँ बंद कराया गया और महिला से कहा गया कि 11 बजे जो है कोतवाल साहब आएंगे, उसके बाद इन पर कार्रवाई होगी, आपका मेडिकल होगा। उसके बाद क्या हुआ कि 11 बजे हम लोग यहाँ पर आए तो हम लोगों के साथ अभद्रता की गई, हम लोगों के दबाव डाला गया कि आप लोग जो है जो दोनों लोग जो है राजीनामा कर लें, क्योंकि जो है उन्होंने भी आपके साथ दरख्वास्त दी है। अगर मान लीजिए 100 रुपये का विवाद था तो उनकी कितनी हिम्मत हुई कि एक महिला को उसके घर से उठा के ले गए और फिर जो उनके पक्ष के लोग यहाँ थे उनके साथ जो है आप अभद्रता करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उद्देश्य साफ है कि आम जनता का सम्मान, आम जनमानस का सम्मान, जिसने हमारा साथ दिया है हम उसका साथ कभी छोड़ेंगे नहीं, चाहे उसके लिए अपने लोगों से या प्रशासन से या किसी से भी कुछ भी करना पड़े। जब तक महिला को न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से नहीं उठूँगा और जब तक दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक यहाँ से नहीं उठूँगा। आपका कहने का मतलब है न्याय मिलना चाहिए? न्याय बिल्कुल मिला। अगर न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे आप? यहीं बैठे रहें। यहाँ दिखा दूँ मैं सामने का आपको दृश्य, थाना कोतवाली शहर, क्योंकि देखा जाए यहाँ पर अमन मिश्रा जी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, पीड़ित महिला के साथ अन्याय न्याय नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन यूं ही बैठे रहेंगे। कैमरामैन शुभम के साथ मैं संतोष कुमार, वाल्मीकि मार्केट संवाद, झांसी।